अब देखो यार, बहुत ही ज्यादा अर्जा बिच चुका हम लोगों ने कोई भी कस्टमाइजेशन के ऊपर, कोई भी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं किया। एंड अगर मैं बात करूँ कस्टमाइजेशन की, मैं टाइम लेता हूँ, बट मेरे दिमाग में ऐसी चुलमची पड़ी है ना भाई कस्टमाइजेशन के मामले में, पूरा का पूरा पागल हो जाता हूँ। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन निकाल के लाया हूँ ना, पूरा का पूरा डिवाइस का लुक जो है वो कम्प्लीटली चेंज कर सकता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन जो है आज के इस एपिसोड के अंदर हम लोग डिस्क्लोज करने वाले, तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। सो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अक्षय हियर एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टर जारविस। आपका चैनल जितने चाहिए उतने लाइक जो है वो बरसा सकते, एम करते 10,000 लाइक का। एंड साथ ही साथ आधे घंटे वाली गैंग जिंदाबाद, जितने भी लोग आधे घंटे में कमेंट करेंगे मस्त, मैं ऐसे कुछ नहीं फेंक के मारूंगा भाई, अभी सीधा स्टार्ट करने वाले हम। नोटी गाय, अभी आप लोगों ने ना बहुत सारे अलग अलग टाइप की लॉक स्क्रीन के इवन कस्टमाइजेशन के एप्लीकेशन जो है वो ट्राई किए ही रहेंगे, बट इसके अंदर काफी ज्यादा यूनिक एक्स्ट्रा फीचर जो है वो मौजूद है। मैं अपने नॉच के ऊपर टैप करूंगा तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, प्ले पॉज करना है, सॉन्ग फॉरवर्ड करना है, मुझे अगर किसी का कॉल रिसीव करना है तो भी मैं यहाँ पर नॉच के जरिए जो है वो कम्प्लीटली कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर जो है वो मौजूद है। लॉक स्क्रीन के अंदर हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, नॉर्मल से नोटिफिकेशन आ जाते हैं भाई, उसके अंदर ही कर देते, बट जरा ये बात भी सोचो बंदी का मस्त में भाई खूबसूरत सा आई लव यू या फिर गुड मॉर्निंग बाबू तो ना तूने था ना था, ऐसे अलग अलग टाइप के मैसेजेस आए वो भी एक अलग टाइप में, तो थोड़ा बहुत तो भाई यहाँ पर ऐसे दिमाग पे मस्त में शॉक वगैरह लगेगा। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन के ऑप्शन जो है वो भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, इसके अलावा आप लोगों को मस्त में भाई अलग अलग बड़े बड़े नोटिफिकेशन भी आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर बंदी का मैसेज मस्त में ऐसे उभर के आएगा, हाँ बेटा था ना था तूने, वैसे बेटा नहीं बोली। इसके अंदर साथ ही साथ आप लोग कलर्स जो है वो भी कस्टमाइज कर सकते हो, वैसे बहुत सारे फीचर्स है, आप लोग खुद क्यों नहीं ट्राई करते भाई, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज तक है ना आप लोगों ने, इवन मैंने भी वही भाई गूगल का डायलर या फिर गूगल का कॉल स्क्रीन जो है वो देख देख के भाई, वैसे भी जान जितनी भी मेरे अंदर बची वो कम्प्लीटली निकल चुकी है भाई। मैं अपने हम सफर से बात करने के टाइम पे है ना, स्टार्टिंग में मेरे को वो जो गूगल डायलर देखने के लिए मिल जाता है भाई, चिड़ आती है भाई, क्या है ये, कॉमन कस्टमाइजेशन का आदमी हूं मैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक अलग टाइप की एप्लीकेशन है जो अलग टाइप के आप लोगों को फीचर जो है वो प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन का नाम है रिप्लाई, जहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके कॉल स्क्रीन की तो भाई पूरा का पूरा डिफरेंट है। सबसे पहले आप लोगों यहाँ पर जो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का बटन है, जैसे कि आप लोग स्लाइड भी कर सकते हो, आईफोन का भी और ओप्पो वीवो का दोनों का मिलके भाई मिक्सचर बना दिया, जहाँ पे लुक एंड फील तबाही मचा देगा। इसके अलावा इसके अंदर ना थोड़े अलग टाइप के आप लोगों को फीचर्स जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप लोग फोन जो है वो रिसीव नहीं कर पाते हो तो आप लोगों को यहाँ पर अर्जेंट में किसी को मैसेज सेंड करना है तो ये ऑटोमेटिकली बोलते उसको, मतलब ऑटोमेटिक यहाँ पर वो आपका जो कोई भी मैसेज है, जैसे कि हाँ बंदी के साथ बिजी हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, नींद कंप्लीट कर रहा हूँ, जो कुछ भी आपका फलाना का ना मैसेज है वो आप लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंड कर सकते हो। ऑटो रिप्लाई का यहाँ पर जैसे कि अगर आप लोगों ने एक रिंग के अंदर, दो रिंग के अंदर फोन नहीं उठाया तो वो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा डायलर भी इसका बहुत ही ज्यादा आप लोग को फ्रेश यूनिक लुक जो है वो प्रोवाइड करता है, काफी ज्यादा यूनिक है, इसे आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अपने गूगल के डिफॉल्ट डायलर के अलावा। चाहे आपका सैमसंग हो या फिर ओप्पो वीवो या फिर कोई भी फलाना ढिमकाना भाई, नोकिया 3310 क्यों ना हो, उसके अंदर आप लोग, हाँ उसके अंदर नहीं कर सकते, बट यहाँ पर एक ऐसी तगड़ी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप लोग आपके नोटिफिकेशन पैनल को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो। यहाँ पर इन्फिनिक्स कंट्रोल का एक एप्लीकेशन है जो आप लोग को एग्जैक्टली इन्फिनिक्स के डिवाइस के अंदर जो नोटिफिकेशन पैनल होता है, एंड एक्चुअली बताओ तो मुझे वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है भाई, थोड़ा बहुत प्यार उसके अंदर आ जाता है मेरे को। आप लोग को इन्फिनिक्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन इफेक्ट जो है वो इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं लुक एंड फील की तो ऊपर की तरफ आप लोगों को तीन बड़े बड़े टॉगल्स मिल जाते हैं, नीचे बाकी के आपके नॉर्मल टॉगल्स जो है वो आप लोगों को मिल जाते हैं, जहां पर आप लोग के मस्त में जितने चाहिए उतने नोटिफिकेशन बाबू सोना मोना के। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कलर कस्टमाइजेशन जो है वो भी एग्जैक्टली कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग जो चाहिए वो चाल ढाल रंग रूप जो है वो इसके अंदर इजीली दे सकते हो। देखो भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पूरे के पूरे प्ले स्टोर पे एक ही एकलौती ऐसी एप्लीकेशन है जो आप लोगों को आपका कोई भी डिवाइस हो उसके अंदर आप लोग जो चाहिए वो फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो है वो सेट कर सकते हो। इतना ही नहीं भाई, इसके अंदर जो वॉलपेपर्स है ना वो काफी ज्यादा तगड़े हैं, यूजर फ्रेंडली है, जिसके थ्रू आपकी बैटरी जो है वो भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे वॉलपेपर्स जो है वो एक एमोलेड स्क्रीन के साथ आते हैं, जहां पर पूरे के पूरे ब्लैकआउट हर जगह छाई रहती है, जिसके अंदर मस्त में आप लोगों का आपका उभर के जो कोई भी एनिम रहेगा या फिर जितने भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो सारे
सारे के सारे मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। भाई स्लाइड करते करते थक जाओगे, लेकिन इसके अंदर इतने सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन मौजूद है ना, एंड वो भी तगड़े वाले वॉलपेपर के साथ। मेरा ये आईक्यू का डिवाइस है, इसके अंदर मुझे ये फिंगरप्रिंट एनिमेशन एक्जैक्टली सेट करना है मेरे फिंगरप्रिंट एनिमेशन के ऊपर। तो आप लोगों ना यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन सेट करने का एक अलग से सेटिंग मिल जाएगी। सिंपली ऊपर नीचे बड़ा चौड़ा जितना करना है वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हो, एंड अपना जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है उसके अराउंड मस्त में अलग से एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। वैसे जिनका साइड में एनिमेशन है वो भी कर सकते हो, बात अलग है, आप लोग उसे यूज नहीं कर सकते। विजेट लैब करके एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप लोग आपके जितने भी विजेट्स वगैरह रहेंगे सारे के सारे आप लोग यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो। रिसेंटली मैंने आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताया था जिसके थ्रू आप लोग आपके जो पॉपअप एनिमेशन है TWS, जैसे आईफोन के अंदर मैं इसे ओपन करता हूँ ना, तो वो एक नीचे से मस्त भाई पॉपअप एनिमेशन जो है वो उभर के आ जाता है। तो वही सेम फीचर आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए जो है वो कर सकते हो। डायनेमिक आइलैंड तो मिल ही जाता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ही आप लोगों ने आपके ईयरफोन का घूंघट उठा दिया वो भी यहाँ से मस्त में नीचे से ऊपर आ जाएगा, हाँ भाई हमको प्रधान कर लो। इसके अलावा बहुत सारे अलग टाइप के विजेट्स जो है वो भी इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, जो भी आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर इजीली सेट कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक के हो गए या फिर डेट एंड टाइम के फीचर्स वगैरह हो गए। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग आप लोगों को कंट्रोल पैनल के भी विजेट्स जो है वो भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो दिखने के लिए काफी ज्यादा कूल दिखते हैं अगर आप लोग एक कस्टमाइजेशन के मामले में शौकीन हो तो हमारी तरह। यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करूँ तो वो एक्चुअली एंड्रॉइड की थीम है, जो आप लोग हर एक डिवाइस के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। बस आप लोग को KLW एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल करना है, एंड इसे आप लोग नोवो लॉन्चर या फिर कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर के जरिए जो है इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप लोग जैसे ही स्लाइड करोगे ना अलग अलग टाइप के आप लोग यहाँ पर स्क्रीन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई इसका जो लेआउट है, UI डिजाइन कंप्लीटली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, लिटरली कोई भी इसके ऊपर छा जाएगा। एक स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पर कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, ऊपर मस्त में आपका एक चमकता धमकता थोबड़ा मिल जाएगा। ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखोगे वहां पर आप लोग को छोटे से एक साइड पे आप लोगों को यहाँ पर बैटरी चार्जिंग एनिमेशन मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन जितने भी आते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ही आप लोग स्लाइड डाउन करते हो एक एनिमेशन आ जाता है जहां से आप लोग आपका म्यूजिक जो है वो भी सुन सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कैलेंडर एंड सिंपली स्वाइप अप करने के बाद आप लोग इजिली यहाँ पर अपना एप्लीकेशन लिस्ट जो है वो ओपन कर सकते हो। iOS 16 का कंप्लीट लुक जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, एंड साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग प्रीसेट भी है जहाँ पर एक्जैक्टली आप लोगों को आपका जो नोटिफिकेशन सेंटर है iOS 16 के अंदर वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। आईफोन के अंदर जितने भी विजेट्स या फिर जितने भी एप्लीकेशन ऐप ड्रॉवर या फिर जितने भी आइकन्स रहते हैं सारे के सारे एज इट इज आप लोग को मिल जाते हैं। डायनेमिक आइलैंड भी आप लोग यहाँ पर मिल जाते हैं, आप लोग वहाँ पर आपका म्यूजिक या फिर जितना भी आपका मैप नेविगेशन है वो इजिली वहाँ पर जो है चेक कर सकते हो। अभी बात करते हैं यहाँ पर बोनस एप्लीकेशन की, जो बाई कंप्लीट तबाही है, उसका नाम है फोन हाईटेक। मैं सोच रहा हूँ इसको अलग वीडियो में डाल दूंगा। चीटिंग 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 करता है तू। अभी का चैनल है, जितने चाहिए उतने लाइक जो है बरसा के जाना भाई, कम से कम 10,000 लाइक का टारगेट जो है वो तो कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो वापस बोलना पड़ेगा यार सब, ठीक है। आज के इस एपिसोड के अंदर दिखाने के लिए बस इतना ही था दोस्तों। आप लोग आज का एपिसोड जो वो पसंद आएगा, एपिसोड पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोग वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक पीस आउट। Bye.